दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एप्सन के इको टैंक L15140 प्रिंटर के बारे में। आप लोगों के काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि A3 पेपर प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर बताइए जिसे हम एक बेस्ट फोटोकॉपी के रूप में यूज कर सकें, फोटोकॉपी मशीन के रूप में यूज कर सकें, ऐसा कोई प्रिंटर के बारे में बताइए। सो ये वीडियो बिल्कुल उसी के बारे में होने वाली है। अगर आपकी एक शॉप है, एक दुकान है जहां पर फोटोकॉपी का काम ज्यादा आता है, या फिर आपका ऑफिस है जहां पर मोनोक्रोम प्रिंटिंग का काम ज्यादा है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग का काम ज्यादा है, फोटोकॉपी का काम ज्यादा है, दुकान पे आप इसको लगाना चाहते हैं, तो ये प्रिंटर बिल्कुल आपके लिए है। इसके क्या क्या खास बात है हम पूरी बात करेंगे, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपकी शॉप है तो आपकी हर जरूरतों को ये पूरा करने वाला प्रिंटर है। अगर आप बड़ा फोटोकॉपी मशीन नहीं ले पा रहे हैं, आपका बजट उतना नहीं है, तो आप बिल्कुल उसके जगह पर इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम एक से एक वीडियोस लेकर के आते रहें। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, जो भी मैं प्रोडक्ट पर वीडियोस बना रहा हूं उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। Amazon का लिंक, आप उस पर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे वीडियो स्टार्ट होती है आप राइट हैंड में कॉर्नर में देख सकते हैं व्यू प्रोडक्ट का एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है YouTube के स्टोर पर जो है आप जा करके देख सकते हैं। YouTube का खुद का ये स्टोर है, ये अभी फिलहाल प्रमोट कर रहा है। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो Flipkart और Amazon से काफी सस्ते मिल जा रहे हैं, तो आप एक बार कंपैरिजन जरूर करें, उस पर क्लिक करके देखें और Amazon वाले लिंक पर भी देखें, जहां पर सस्ता हो वहां से आप जो है बाय करें और इस कंपटीशन का आप फायदा उठाएं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि इस प्रिंटर में क्या क्या खास बातें हैं। तो ये प्रिंटर इंक टैंक प्रिंटर है। बाकी फंक्शनलिटी की अगर हम बात करें तो प्रिंट, स्कैन, कॉपी ये तो है ही, साथ में डबल ADF है, यानी कोई भी पेज डबल साइडेड प्रिंटेड अगर आप रखते हैं, उसको स्कैन करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से स्कैन करके और दोनों ही तरफ से, चूंकि ये डुप्लेक्स भी है तो दोनों ही तरफ से स्कैन करेगा और दोनों ही तरफ से प्रिंट करके आपको जो है आउटपुट देगा। उसके अलावा ID प्रिंट के लिए बिल्कुल फीचर दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक शॉप पर बहुत ही ज्यादा काम जो आते हैं उसके लिए इसके अंदर सारे वो फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें इसके कनेक्टिविटी की, तो इसके अंदर वाईफाई, USB 2.0 ऐप और इथरनेट यानी नेटवर्क प्रिंटर भी है। आप इसको ऑफिस वगैरह में लगा सकते हैं। वाईफाई डायरेक्ट भी है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए दुकान पर आपको फोटोकॉपी करना है। आज के डेट में मैक्सिमम लोग जो है मोबाइल में लेकर के आते हैं कि हमें इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो वो डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली है, आप उन्हीं के वाईफाई से कनेक्ट कीजिए और तुरंत जो है उससे उन्हीं के वाईफाई से प्रिंट आउट निकाल करके आप जो है दे सकते हैं। बहुत इजी जो है इसका कनेक्टिविटी है। मैंने मार्केट से जो है इसका रिपोर्ट लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये प्रिंटर। उसके अलावा इसको जो है हैंडल करने के लिए, इसके सारे फीचर्स को यूज करने के लिए इसके ऊपर जो है 6.8 सेंटीमीटर का जो है टच स्क्रीन डिस्प्ले लगा हुआ है, जो टच के माध्यम से जो है आप इसके सारे फीचर को यूज कर पाएंगे, सारे सेटिंग्स वगैरह को कर पाएंगे। सेटिंग्स जैसे पेपर को जो है छोटा करना, बड़ा करना, आउटपुट की जो सेटिंग है वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं जैसे बड़े फोटोकॉपियर मशीन में करते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर ये चूंकि इंकजेट प्रिंटर है, इसके अंदर जितने सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो इस लेवल के किसी भी आपको लेजर प्रिंटर के अंदर भी मिलने वाले नहीं हैं। इतना जबरदस्त प्रिंटर है। सबसे बड़ी बात, दुकान के लिए ये फायदेमंद है कि जहां पर लाइट का इशू है, ग्रामीण क्षेत्र है, इंटीरियर इलाके हैं, या फिर जो लोग मीटर से बिल देते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रिंटर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंकजेट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का वाटेज बहुत ज्यादा होता है और इसका वाटेज बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। आप इसको जो है एक छोटे से इन्वर्टर पर भी आप यूज कर सकते हैं, सारा का सारा दिन कोई खास इसका लोड नहीं है, तो उस माध्यम से भी ये प्रिंटर बहुत अच्छा साबित हो सकता है।
बाकी ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग के लिए A3 तक, चूंकि ये A3 प्रिंटर है, A3 को जो है ये डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर देगा, दोनों साइड जो है आप प्रिंट आउट इससे निकाल सकते हैं। बाकी प्रिंट स्पीड की बात करें तो ये 25 इमेज पर मिनट इसका स्पीड है, जो कि बहुत ज्यादा है, एक लेजर प्रिंटर के जितना इसका जो है आपको प्रिंट स्पीड मिलने वाली है। बाकी सारे के सारे सेटिंग, बेसिक से लेकर के एडवांस सेटिंग, सारा का सारा सेटिंग जो है इसके डिस्प्ले पर आप टच के माध्यम से कर पाएंगे। बाकी प्रिंट कॉस्ट की बात करें तो मात्र 12 पैसे जो है इसका प्रिंट कॉस्ट आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद पेज साइज सपोर्टेड की अगर हम बात करें तो A3 प्लस उसके नीचे जितने सारे पेज होते हैं सारा का सारा पेज जो है ये सपोर्ट करेगा। बाकी स्कैन पेपर साइज की अगर हम बात करें तो A3 प्लस तो करेगा ही करेगा, और बाकी एरिया की अगर हम बात करें तो 11x17 इंच तक का एरिया जो है ये स्कैन करेगा, यानी कि आपको स्कैन का एरिया भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, यानी एक बड़े पेपर का फोटोकॉपी भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। बाकी पेपर ट्रे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इनपुट के लिए 3 ट्रे मिल रहे हैं, फ्रंट पर आपको 2 ट्रे मिल रहा है और रियर में 1 ट्रे मिल रहा है। फ्रंट पर जो है जो 2 ट्रे मिल रहा है, एक ट्रे के अंदर 250 पेज जो है आप A3 के रख सकते हैं, दूसरे में भी 250 पेज A3 के रख सकते हैं। तो ये इसलिए दिया जाता है कि एक में चाहें तो आप A3 रखें, दूसरे में चाहें तो आप A4 रख सकते हैं, और बैक साइड में जो है आप 50 पेज रख सकते हैं। तो इस तरीके रख करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और आउटपुट ट्रे की जो कैपेसिटी है वो 125 पेज के लिए है, और सबसे खास बात आउटपुट का जो ट्रे है, जैसे ही आप कॉपी के लिए आप इसको ऑप्शन देते हैं तो अगर आपने उसका ट्रे नहीं खींचा है, जैसे अदर में क्या होता है कि जब आउटपुट पेज को लेना होता है तो आपको ट्रे बाहर खींचनी होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। जैसे ही पेपर को आप जो है कॉपी के लिए देंगे तो पेपर को होल्ड करने के लिए ट्रे अपने आप बाहर आएगी, ये इसके अंदर बहुत ही खास बात है। आपका पेपर कभी भी गिरने वाला नहीं है नीचे, उसको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर ऑटो एग्जिट ट्रे भी दिया हुआ है। बाकी प्रिंट यील्ड की अगर हम बात करें तो एक बार इसके अंदर आप इंक रिफिल कर रहे हैं तो 7500 पेज जो है ये निकाल करके देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 4800x1200 DPI का जो है ये प्रिंट रेजोल्यूशन दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट जो है आपको मिलने वाला है। बाकी वारंटी की अगर हम बात करें तो 1 ईयर ऑन साइड वारंटी इसके साथ में मिल रहा है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे बड़े बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक तो इसका जो है स्पीड, जो कि बहुत अच्छा मिल रहा है, दूसरा इसके अंदर डबल ADF है, दोनों साइड जो है पेपर को स्कैन करेगा एक ही बार में, तुरंत जो है डुप्लेक्स प्रिंटर भी है तो दोनों साइड को जो है आप इसको अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में जो है दोनों को एक ही साथ प्रिंट आउट करके निकालेगा भी। तो ये इसके अंदर बहुत खास बात है, और सारे के सारे जो फीचर्स आपको बड़े वाले प्रिंटर का, बड़े वाले फोटोकॉपी मशीन का जो यूज होता है मार्केट में, वो सारे के सारे वो ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, ताकि अगर आप इसको लेते हैं तो आपको किसी भी बड़े फोटोकॉपियर मशीन की जरूरत ना पड़े, उतना सारा लोड देने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप एक मार्केट में शॉप खोल रखे हैं, मार्केट में दुकान है, आपको एक बेहतर फोटोकॉपी मशीन की जरूरत है, तो आप इस प्रिंटर के साथ जा सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल फुलफिल करेगा। तो दोस्तों ये था प्रिंटर एप्सन का इकोटैंक L15140, में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके अगर प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस जो है 45,000 से 50,000 रुपए के आसपास में वैरी कर रहा है। आप अपने लोकल डीलर के पास एक बार जरूर आप ट्राई करें कि वहां पर क्या प्राइस चल रहा है। बाकी जो है एक बार आप यूट्यूब के स्टोर पर भी देखें, जो वीडियो के राइट हैंड में जो आ रहा है व्यू प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करके एक उस पर भी देखें, जहां पर आपको सही प्राइस मिल जाए वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।